दो दो छोटे छोटे टर्टल्स से कछुए हैं ये, और इनको देख के डेजी इतनी ज्यादा लालायित हो रही है। लगा कि बिल्ली का बच्चा घुस गया बेचारा, बट मेंढक निकला। हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं हूँ दिग्विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल ऐसा है कि दीपू और मैं, हम दोनों जा रहे हैं हरदा। इधर आ। हाँ, तो दीपू और मैं हम दोनों जा रहे हैं हरदा क्योंकि मेरे को, मैंने कल बताया तुमको, बाइक की सर्विस करवानी है। और दूसरी बात यह है कि मुझे शोरूम पर पता करना है कि भाई जो पुरानी बाइक है वो कितने में आप लोगे, मतलब मेरे को उसको सेल करना है। तो इसलिए जा रहा हूँ मैं बस फिलहाल। तो बाकी चलते हैं यार, धूप बहुत तेज़ हो गई आजकल, ठंड पता नहीं कभी आएगी यार। 4-5 नवंबर हो गया आज, बट अभी तक कोई ठंड कहते पता है नहीं। चले दी, चलो। ठंड तो इसको भी बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि गर्मी में इसकी हालत ख़राब हो जाती है। एक तो ऊपर से ब्लैक कलर सारा और बाल इतने बड़े बड़े, तो सारी दिक्कत ही हो जाती है एकदम। बरसात में दिक्कत इससे आती है कि पूरे टाइम गीले गीले रहती है, तो इसको भी पसंद नहीं आता, हमको पसंद नहीं आता क्योंकि एक अजीब सी स्टिंकी सी स्मेल आती है थोड़ी सी, मतलब कुछ चीज़ गीली करके रख दो ना अपन, उस टाइप की अजीब सी, मैम आई कांट एक्सप्लेन, इसकी मिला के बात है। तो हाँ, ठंड इसके लिए भी अच्छा मौसम और हम लोगों के लिए भी अच्छा है। चलो आ जा, चल चल बैठेंगे अभी थोड़ी देर ऊपर। हम कहीं जाते नहीं, सबसे पहले ये बाहर निकलती। चल रही, कोई लेके नहीं जा रहा। बाइक पे बैठने की इतनी ज़्यादा शौकीन है ना कि सब पूरा बाहर निकल जाती। अभी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी यार। बाइक की सर्विस तो हो गई पूरी तरीके से, बट अब लग रही है बहुत ज़ोर से भूख दीपू को और मेरे को, हम दोनों को, क्योंकि हम लोग आए थे तकरीबन 12:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 4:45, तो इतना टाइम लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। काम कुछ था नहीं, बाइक में नॉर्मल सर्विस थी बट फिर भी बहुत टाइम लग गया। इसलिए अभी कुछ जा रहे हैं हम कुछ खाने के लिए, उसके बाद फिर नंबर प्लेट बनवानी है क्योंकि नंबर प्लेट बिल्कुल तरीके से ख़राब ही हो चुकी है, और भी कुछ काम है तो वो देखते हैं। मैं अभी तो मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है फिलहाल। तो यार हम लोग आए हुए हैं राजस्थान स्टार भंडार और दीपू ने, मैंने, हम लोगों ने कचौड़ी खाई। और कुछ खाएगा तू? और कुछ खाएगा? बहुत बढ़िया। तो खाने पीने के बाद फिर उधर की तरफ गमले ले लेते हैं क्योंकि ये काम बचा हुआ था, तो ये गमले ले ले। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, मजाक उड़ा रहे मेरा यार। तो चलो अब निकलते हैं, मतलब पापा का भी टाइम हो गया, वो भी निकल रहे हैं और हम लोग भी निकल रहे हैं। हाँ तो भाई अभी फिलहाल घर पहुंचे हैं, मतलब अभी टाइम हो रहा है 6:08 और सुबह ये मान के चलो 12 बजे यहाँ से ले, तो 6-7 घंटे हो गए। सब हम कह रहे कि नहा लेना चाहिए, तो अब चलते हैं नहाते हैं यार। और ये दो गमले हैं उनको तो सुबह ही करूँगा मैं उसकी पॉटिंग, क्योंकि अभी तो उसमें मतलब भी नहीं है, सुबह उठ के बढ़िया से पॉट में लगा देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। अभी चलो नहाते धोते हैं, चाय वाय पीते हैं अभी तक फिलहाल। और अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बजने को है और अभी तक हम लोग दीपक जाने की पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह सुबह ये भोपाल निकल रहा है। बस कितने बजे तेरी? 6:30 बजे। तो छोड़ने कौन जाएगा तेरे को? मी इतने सुबह से उठना बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये कई सारी पैकिंग हो गई है। दीपू ने ये पीनट बटर बनाया है, तो होममेड पीनट बटर ही सही रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बाहर का तो लोगे तो आप इतना, मतलब ये 1 किलो का डिब्बा ये बहुत महंगा पड़ता है, 250-300 रुपये का। इतना ही पड़ता होगा? 300-100 रुपये का नहीं, ज़्यादा पड़ता और महंगा। तो बताओ अब ये 1 किलो मूँगफली के दाने, मतलब 120 से 115 ऐसे कुछ आते हैं, उसमें काम हो जाता है। वैसा अभी चल रही है पैकिंग वैकिंग सारी, और ये मेरा सूट केस लेके जा रहा है, मेरे को इच्छा तो नहीं है देने की बट फिर भी। किसका? माइन, मेरा। तेरा? यस, बट ठीक है ले जा कोई बात नहीं, भाई है अपना। देखो कल वाली वीडियो में क्या हुआ था कि रात को 12 बजे चूहा आ गया था, पर अभी तुम देखो एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, 12 बजने वाले हैं, नहीं हाँ होने वाला होना शायद, एक घड़ी थोड़ी आगे पीछे हो रही है। तो बाहर नाली में से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, तुमको सुना? गाँव में आवाज आ रही है। डाल 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 पानी डाल। उसकी आवाज़ से ये अलग और परेशान हो रही है, बार बार बाहर भाग रही है। मैं मार रहा ऐसी ऐसी आवाज आ रही है जैसे बिल्ली बोल रही है। क्यों दीपू? ऐसी अभी दीपू पानी डाल के आया, अब पता है चुप होगा नहीं होगा, मतलब हम लोग भी चले गए बाहर, ये साइड जो रहते हैं ये भी बाहर आ गए, सब इतनी तेज आवाज कर रही है, मतलब लग रहा है कि बिल्ली की आवाज़ है। और ये गमले पर वहाँ रखे हुए थे, उसको गिराते हुए भागी थी बाहर एकदम। तो फिर हम लोग भी बाहर गए, उनका पता नहीं क्या है, देखा तो मेंढक बैठा हुआ था।
पहले लगा कि बिल्ली का बच्चा घुस गया बेचारा, बट मेंढक निकला। तो अभी पापा मम्मी गांव गए हुए थे दोनों, मैं तो नहीं गया था, बटे दोनों गए थे, बट और वहां से गांव से ये चीज लेके आया भाई, दो दो छोटे छोटे टर्टल्स हैं, कछुए हैं ये, और इनको देख के डेजी इतनी ज्यादा लालायित हो रही है, पता नहीं क्या ही कर देगी, जैसे वो उसको लग रहा है ये नई चीज क्या है। तो ये दोनों गांव पे टंकी में पड़े हुए थे, पापा लेके आए, या तो ये इन्हें छोड़ देंगे या फिर शायद किसी को दे देंगे, बट मेरे ख्याल से छोड़ेंगे नदी में, क्योंकि मैं देना तो दूंगा नहीं किसी को। पिछली बार भी बोल के आए थे कि नदी में, बट मैंने नदी में छुड़वाया था, और रखना भी ठीक नहीं इन लोगों को यार बेचारों को, क्योंकि काफी वैसे इनको रखना इलीगल भी है, घर में रख नहीं सकते हो आप, और वैसे भी छोड़ना ही अच्छा रहता है, घर में रखना तो छोटे से एक्वेरियम में छोटे से टंकी में रखोगे तो वैसे भी यार बेचारे परेशान ही रहते हैं, बट है कितना सही जीव है यार ये छोटा सा एकदम। तो वीडियो देख के कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को दे दो मेरे को दे दो, बट नहीं, किसी को नहीं मिलने वाला है नदी में जाकर। क्यों मम्मी, क्या आपको क्या लगता है, नदी में छोड़ना चाहिए घर रखना चाहिए? घर नहीं रखना चाहिए ना ऐसी चीजों को, सही नहीं रखना चाहिए। अभी देखना मैं इसको दिखाता हूँ, ये जैसे नीचे रखूंगा ना उनके पास आ जाएगी, बहुत ज्यादा ऐसे उनको ऐसा लगा कि अटैक कर देगी, बट बहुत क्यूरियस है ना कि देख रही क्या ये नई चीज है। एक उधर है डिजी, नहीं नहीं मारेगी, तभी तो पकड़ के रखा है मैंने, भाग रहा है बेचारे डर के हमारे। बस 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 चलो चलो चलो, ऐसी कुछ भी नई चीज देखती है ना तो बहुत ज्यादा एकदम ऐसे एक्साइटेड हो जाती है क्या ये चीज भाई। अब इन दोनों को मैंने इस बाल्टी में डाल दिया तो यहाँ पर आके बैठ गई, लग रहा है इसको लग रहा है कि मेरे को मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले तेरे को, नहीं मिल रहा है तो कुछ भी कर ले, ऐसी आवाज नहीं कर रही, कूं 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 कर रही है, देखे जा रही है उनको। अभी थक के बैठ गई, पता नहीं थक गई एकदम, तो अभी तक पूरी मुंडी इसके अंदर डाल रखी थी, कूं 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 कर रही थी पूरे टाइम। क्या हुआ, देख तो देख 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 देख, ऐसे ही बैठी रहेगी, तो रात भर ही बैठी रहेगी ऐसे ही। बैठो भाई खाना पीते हैं, चले भाई। हाँ भाई मम्मी चाय बना रहा हूँ ना, अपन दोनों ही चाय पीने वाले क्या? पियेंगे। तो दीपू तो चला गया यार भोपाल, कल निकल गया वो और पहुँच भी गया, मतलब कल निकला तो ऑब्वियसली पहुँच ही जाएगा, कैसी बात करता हूँ। हाँ तो यही है, चला गया, मैं बोर हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ, बट अभी कुछ थोड़ा सा काम है, 14-15 हाँ 12-13 तक तो निकल ही जाऊँगा, बट कोशिश करूँगा निकलने की। और इन दोनों को पॉट में शिफ्ट कर दिया, और अभी इनको नीचे लेके जाना है, क्योंकि अभी की मतलब जो तीखी धूप है ना इनके लिए ठीक नहीं बिल्कुल भी, बट इतने ज़्यादा हैवी हो गए ना कि उठाने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत मिट्टी आई है, 14 इंच के पॉट्स हैं और इतनी मिट्टी आई है, जितनी लेके आया था ना सारी की सारी इन्हीं में घुस गई। अब सोचना था यही कल कि लेके नीचे जाके कर लेना सारे काम, बट क्या करें, अब लेके जाना पड़ेगा वरना यहाँ रखे रखे तो मर जाएंगे बेचारे, तो लेके चलते हैं और क्या, मुश्किल है बट करेंगे क्या करें। अभी ना मैं गया था गाँव, तो मैं वहाँ से लेकर आया अमरूद, मैं यहाँ बैठे बैठे खा रहा हूँ, तो ये मैडम यहाँ आके बैठ गए, इसको खुशबू आ रही, पहले तो मेरे को देख के एकदम इधर आ गई, उधर अंदर बैठी हुई, और फिर देखा क्या लेके आया हूँ, तो एकदम चटाके से यहाँ आ गई कि भाई मुझे भी खिलाओ। अब एक अमरूद खिला चुका हूँ पूरा, क्यों डेजी, ये देखो बिल्कुल एकदम तैनात बैठी है कि भाई कब तुम दे दो, लिटरली बोल रहा हूँ एक पूरा खिला चुका हूँ, इसके सामने कुछ खा नहीं सकते हो अगर जो चीज़ इसको पसंद है, एकदम लप लप लगा के देखती है ऐसा बिल्कुल, ये देखो कैसे टक 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 इधर इधर ले जा रहा हूँ, इधर देख रही है, इधर ले जा रहा हूँ, इधर देख रही है, खाने को हमने सबसे ऊपर है भाई, भाग जाओ। मैंने क्या किया भाई, उधर जा उधर जा, गाय आई गाय, आ जा कुछ नहीं, थक गए थक गए।